तो बालक ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने के सीरीज में अभी तक हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में पूरा डिटेल समझ लिए थे, क्वेश्चन भी कर लिए थे। कुछ खास एंगल के लिए जैसे साइन 30, कॉस 30, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 30 डिग्री 45 डिग्री के लिए क्या वैल्यू आता है, कैसे आता है, सारा का प्रूफ भी देख लिए थे बालक, है ना। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाला भी कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ लिए थे कि टेन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा कैसे होता है, और उस पर बहुत सारा क्वेश्चन भी हम लोग कर लिए थे। इस वीडियो पार्ट में तीनों टॉपिक से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस होगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से रिलेटेड, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस बेसिक्स क्वेश्चन से रिलेटेड, बेसिक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस होगा, स्पेसिफिक एंगल से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होगा जो तुम्हारे बोर्ड्स में आ चुका है ना। फर्स्ट क्वेश्चन देखोगे, हर एक क्वेश्चन को ट्राई करते चलोगे और काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है ये, है ना तुम्हारे लिए। तो हर एक क्वेश्चन को यार ट्राई करते चलोगे, है ना, वीडियो को रोक करके ट्राई करोगे फिर सॉल्यूशन देखोगे, मज़ा आएगा तुमको। क्वेश्चन ये था, क्वेश्चन बालक ये था कि इफ थीटा इज एन एक्यूट एंगल, एक थीटा जो था ना, थीटा जो था वो एक्यूट एंगल था। जैसे मान लो कि एक ट्रायंगल है और इसमें एक थीटा एक्यूट एंगल था, बोला जा रहा है कि टेन थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू टू, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू टू, तो तुमको टेन टू द पावर सेवन थीटा प्लस कॉट टू द पावर सेवन थीटा का वैल्यू क्या होगा ये बताना था। क्वेश्चन नंबर वन ये बताना था, वीडियो को रोक लो एक बार ट्राई करो इसको, है ना। टेन थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू टू, तो टेन टू द पावर सेवन थीटा प्लस कॉट टू द पावर सेवन थीटा कैसे फाइंड करोगे। बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट है बालक, बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट है, ध्यान से समझोगे, आराम आराम से बताया जाएगा, तुम आराम आराम से समझोगे। तुम लोग में से जो भी बच्चे फास्ट लर्नर हैं वो वीडियो को स्पीड कर लिया करेंगे, है ना, वो वीडियो को क्या करेंगे बालक, स्पीड कर लिया करेंगे, क्योंकि हम तो आराम आराम से बताएंगे, स्लो लर्नर के पास कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए ध्यान से सुनोगे। यहाँ पर बालक अपने को दिया था कि टेन थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू टू, ये बात दिया हुआ था, है ना। इसको सॉल्व किया जाए, देखो बालक इसको थोड़ा सा सॉल्व किया जाए, तो हम लोग टेन थीटा प्लस इसको वन बाई टेन थीटा लिख सकते हैं क्या, इज इक्वल टू टू, कॉट थीटा वन बाई टेन थीटा तो लिख ही सकते हैं। यहाँ से देखो, यहाँ से टेन थीटा अगर हम लोग एलसीएम ले लें तो टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा, है ना, एलसीएम ले लिए टेन थीटा, तो ये मल्टीप्लाई होकर टेन स्क्वायर थीटा प्लस वन इज इक्वल टू टू आ गया। अब देखोगे तुम, ये टेन थीटा अगर इस साइड चला जाए तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस वन इज इक्वल टू टू टेन थीटा हो जाएगा, टू टेन थीटा हो जाएगा, बात क्लियर है ना। टेन थीटा इधर डिवाइड में इधर गया तो मल्टीप्लाई में, इस टू टेन थीटा को इधर लाओगे तो ये बन जाएगा बालक टेन स्क्वायर थीटा, है ना, माइनस टू टेन थीटा प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। इस टू टेन थीटा को हम इस साइड ला दिए तो इधर तो यार प्लस में था, इधर आया तो माइनस में हो गया, तो टेन स्क्वायर थीटा माइनस टू टेन थीटा प्लस वन। अब क्या किया जाए बताओगे बालक, अब क्या किया जाए। अब बड़ा सिंपल बात है यहाँ पे कि ये क्वाड्रेटिक बन गया टेन में, क्वाड्रेटिक एक इक्वेशन बन गया बालक टेन फंक्शन में। हम लोग क्या करें ना कि मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से इसे सॉल्व कर लें, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे टेन स्क्वायर थीटा, देखो माइनस टेन थीटा, है ना, और प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। बोलो इस बात से अगर सहमत हो तो, इस बात से अगर तुम सहमत हो तो बता देना भाई, ऐसे लिख सकते हैं क्या इसको। हम क्या किए कि ये माइनस टू टेन थीटा था ना, इसको हम लिख लिए माइनस टेन थीटा और माइनस टेन थीटा। इसको तुम ऐड करके देखोगे तो माइनस टू टेन थीटा आ जाएगा, और इन दोनों को जब तुम मल्टीप्लाई करोगे तो इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन के बराबर आ जाएगा, यानी ट्रिग्नोमेट्रिक ब्रेकडाउन यहाँ पर हुआ है। ट्रिग्नोमेट्रिक ब्रेकडाउन मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के फॉर्म से हम लोग उस कॉन्सेप्ट से इसे हम लोग ब्रेक कर लेंगे। अब बता दो यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा भाई, अब यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा, यहाँ से कॉमन आ जाएगा टेन थीटा, अगर कॉमन लेते हो इन दोनों में तो यहाँ से बालक टेन थीटा माइनस वन आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा। ब्रैकेट को ओपन करोगे, टेन थीटा इंटू टेन थीटा, टेन स्क्वायर थीटा, टेन इंटू वन टेन थीटा, यानी कि सही कॉमन हम लोग लिए हैं। यहाँ से माइनस वन कॉमन लेंगे तो टेन थीटा माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। एग्री हो बात से यहाँ तक, देखो फिर से ब्रैकेट ओपन करो, वापस से यही आ रहा है, यानी कॉमन हम लोग सही लिए हुए हैं। यहाँ से देखो टेन थीटा माइनस वन आ गया बालक, टेन थीटा माइनस वन आ गया, और यहाँ से भी टेन थीटा माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, यानी कि टेन थीटा
माइनस वन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो आ गया, तो बालक बोल सकते हो कि टेन थीटा माइनस वन जो है ना ये जीरो आ गया, रूट अंडर जीरो जीरो हो जाएगा, तो तुम बोल सकते हो बालक कि टेन थीटा जो है ना ये वन आ गया। टेन थीटा कितना आ गया? वन आ गया। यहाँ तक बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इजी क्वेश्चन था। अब बताओ यहाँ पर हम क्या करें, देखो बालक यहाँ पर हम क्या करते हैं कि टेन थीटा इज इक्वल टू वन के प्लेस पर टेन फोर्टी फाइव लिख ले तो कोई दिक्कत है क्या? वन के प्लेस पर टेन फोर्टी फाइव डिग्री लिख ले तो कोई दिक्कत है क्या? टेन फोर्टी फाइव डिग्री का मतलब वन होता है, तो वन वन के प्लेस पर हम ऐसा लिख दिए, ठीक है। अब बताओ फिर से फंक्शन सेम है, टेन सेम है और बीच में इक्वल टू है, मतलब जितना ये है उतना ही ये है, तो ये दोनों को इक्वल होने के लिए थीटा को बालक 45 डिग्री होना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ से तुमसे पूछा था बालक टेन टू द पावर सेवन थीटा प्लस कॉट टू द पावर सेवन थीटा, हम लोग थीटा तो यहाँ से जान बैठे कि थीटा बालक 45 डिग्री आएगा, है ना। थीटा के बारे में हम लोग जान बैठे कितना 45 डिग्री। अब हमको ये बात निकालना है टेन टू द पावर सेवन थीटा प्लस कॉट टू द पावर सेवन थीटा, बताओ तो उसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या बालक? उसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या? टेन टू द पावर सेवन थीटा को हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, एक ही बात है, और ये भी तो एक ही बात है ना बालक, कॉट थीटा टू पावर सेवन ये भी बालक एक ही बात है, ये भी एक ही बात है। इसका तो वैल्यू मालूम है, वन आ गया। देखो थीटा का वैल्यू 45 डिग्री है, 45 डिग्री है ना, 45 डिग्री है। तो यहाँ तुम क्या लिखोगे? टेन 45 टू द पावर सेवन, थीटा का वैल्यू 45 आ गया, प्लस कॉट 45 टू द पावर सेवन, और तुम जानते हो इसका भी वैल्यू वन और इसका भी वैल्यू वन, तो वन का पावर सेवन प्लस वन का पावर सेवन बालक यहाँ पर टू आंसर हो जाएगा। कितना आंसर हो जाएगा? टू आंसर हो जाएगा। बात समझ गए क्या? टेन थीटा फोर्टी, देखो टेन 45 डिग्री का वैल्यू वन और कॉट 45 डिग्री का भी वैल्यू वन होता है, यहाँ हम लोग कॉट लिखेंगे, कॉट 45 डिग्री का भी वैल्यू बालक कितना होता है? वन होता है, है ना, क्योंकि रेसिप्रोकल है तो वन बाई वन वन ही हो जाएगा। बात क्लियर है ना? तो इस तरीके से हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन को बालक बना सकते हैं। वन प्लस वन टू इसका आंसर है, कोई दिक्कत? चलो जी, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बालक। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि फाइंड एन एक्यूट एंगल थीटा वेन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बाई कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू वन माइनस रूट थ्री डिवाइडेड बाई वन प्लस रूट थ्री। इसको बनाने का बहुत सारा तरीका हो सकता है, लेकिन ईजी जो तरीका है बालक, ईजी तरीका, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यूज करोगे ना, थोड़ा माइंड यूज करोगे, है ना, तो एक ईजी तरीका है। वीडियो को रोक लो एक बार, ट्राई कर लो। चलो देखोगे अब, अगर तुम बालक ट्राई कर लिए हो तो इसे देखोगे। हम क्या करते हैं ना कि ऊपर और नीचे, जैसे हम लोगों के पास क्या था, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। हम लोग क्या करते हैं कि न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को दोनों को कॉस थीटा से डिवाइड कर लेते हैं, कॉस थीटा से। और यार तुम कर सकते हो, कॉस थीटा से डिवाइड जो है तुम इजीली कर सकते हो। तुम क्या करो ना कि इसको डिवाइडिंग लिखोगे एग्जाम में बढ़िया से कि डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई कॉस थीटा, है ना। तो ये कुछ ऐसा बनेगा, न्यूमरेटर को हम लोग डिवाइड कर लिए, है ना, न्यूमरेटर को डिवाइड कर ले, न्यूमरेटर ये था इसको कॉस थीटा से, और डिनोमिनेटर को भी हम लोग डिवाइड कर लेंगे, डिनोमिनेटर को भी हम लोग डिवाइड कर लेंगे किससे? कॉस थीटा से। डिनोमिनेटर को भी डिवाइड कर ली। अब एक बात बता दो, यहाँ पर न्यूमरेटर क्या हो गया? न्यूमरेटर हो गया कॉस थीटा बाई कॉस थीटा लिख सकते हो, है ना, माइनस साइन थीटा बाई कॉस थीटा तुम लिख सकते हो, है ना। साथ साथ इसके इक्वल टू में क्या है, वन माइनस रूट थ्री, वन प्लस रूट थ्री है, यहाँ भी वन माइनस रूट थ्री डिवाइडेड बाई वन प्लस रूट थ्री है, इसी तरीके से यहाँ भी वन माइनस रूट थ्री डिवाइडेड बाई वन प्लस रूट थ्री है, रूट थ्री है ना। देखोगे, देखो न्यूमरेटर को कॉस थीटा बाई कॉस थीटा लिख दिए, साइन थीटा बाई कॉस थीटा लिख दिए, और माइनस का माइनस बीच में लिख दिए। उसी तरीके से डिनोमिनेटर में देखो, कॉस बाई कॉस हो गया, हम लोग लिखेंगे कॉस थीटा बाई कॉस थीटा, और प्लस साइन थीटा बाई कॉस थीटा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, कॉस थीटा। इस तरीके से हम लोग ब्रेक करके लिख सकते हैं, ये जो है इसके साथ आ गया, और एक बार इसके साथ आ गया, और बीच में माइनस था तो माइनस लिख दिए। वापस इसको सॉल्व करेंगे तो एलसीएम तो कॉस थीटा ही हो जाएगा ना, तो वापस से वही वैल्यू आ जाएगा। इसको ब्रेक करके ऐसे तुम इजीली लिख सकते हो। अब देखो यहाँ पर कॉस थीटा कैंसिल, यहाँ से भी कॉस थीटा कैंसिल, और साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या होता है? टेन थीटा होता है, है ना। साइन थीटा बाई कॉस थीटा वाला क्या होता है? टेन होता है। यहाँ भी साइन बाई कॉस टेन होता है, तो हम लोग यहाँ पर क्या लिख पाएंगे? देखोगे, देखोगे बालक, हम लोग क्या लिख पाएंगे? वन माइनस टेन थीटा, वन माइनस टेन थीटा बाई वन प्लस टेन थीटा, है ना, वन
कॉस थीटा कैंसिल हो गया, माइनस टेन थीटा, वन प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू वन माइनस रूट थ्री बाई वन प्लस रूट थ्री, इस तरीके से हम लोग लिख लेंगे, कोई दिक्कत। अब यहाँ से देखोगे इक्वेशन जब आ जाए ना तो मज़ा आ जाता है। ध्यान से देखो, ये इक्वल टू है, बीच में इक्वेशन है, बीच में इक्वेशन है, और यहाँ भी वन है और यहाँ भी वन है, यहाँ भी वन है, यहाँ भी वन है, साइन भी सेम है, माइनस प्लस, यानी कि देखो दोनों साइड एकदम सिमिलर है, यहाँ भी वन, यहाँ भी वन, वन और वन, बीच में माइनस, बीच में माइनस, बीच में प्लस, बीच में प्लस, बिल्कुल यार सेम है। तो तुमको क्या लगता है कि ये पॉसिबल है कि टेन थीटा का वैल्यू रूट थ्री ना हो और टेन थीटा का वैल्यू रूट थ्री ना हो, बोलो ये पॉसिबल है क्या? नहीं है ना। अगर अगर टेन थीटा यहाँ पर रूट थ्री ना होगी, कुछ और आएगा, तो क्या ये कभी इक्वल होगा दोनों? नहीं होगा, क्योंकि बाकी सब इक्वल है, बस एक टेन थीटा बच रहा है, तो टेन थीटा को हम लोग इक्वल करना पड़ेगा तभी ये इक्वेशन बन पाएगा, नहीं तो ये इक्वेशन गलत लिखा गया है ना। तो टेन थीटा का वैल्यू यहाँ से हम लोग क्या मिला, ऑब्जर्वेशन से, बोलोगे कि ऑब्जर्वेशन से मिला हमको, ऑब्जर्वेशन से मिला, एल एच एस और आर एच एस को देख करके तुम डायरेक्टली लिख सकते हो, एग्जाम में तुम डायरेक्टली लिख सकते हो कि सो टेन थीटा इज इक्वल टू रूट थ्री, है ना। टेन थीटा रूट थ्री आ गया, टेन थीटा रूट थ्री अगर आ गया और तुमसे पूछा गया था क्या, वो थीटा पूछा गया था, है ना, क्या पूछा गया था बालक, थीटा पूछा गया था। तो अब तुम देखोगे कि टेन जो है ये रूट थ्री कब वैल्यू देता है, है ना, टेन कब तुमको रूट थ्री वैल्यू देता है। तो ध्यान से देखोगे, अगर टेन का वैल्यू नहीं भी याद है, उसका तरीका बता रहे हैं, साइन थर्टी का वैल्यू कितना होता है, वन बाई टू, है ना, और कॉस थर्टी का वैल्यू वाला कितना होता है, रूट थ्री बाई टू, यही पढ़े हो, है ना, रूट थ्री बाई टू। अब दोनों को जब डिवाइड करोगे तो रूट टू और टू कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से वन बाई रूट थ्री मिला, यानी थर्टी में इतना मिल रहा है, सिक्सटी में कितना मिलेगा, देखो सिक्सटी में क्या हो जाता है, साइन सिक्सटी जो है ना ये कितना हो जाता है, रूट थ्री बाई टू, और कॉस 60 कितना हो जाता है, कॉस 60 वन बाई टू हो जाता है। दोनों को डिवाइड करोगे टू से टू खत्म, देखो साइन बाई कॉस क्या होता है, टेन ही होता है ना, साइन बाई कॉस टेन, तो यहाँ पर रूट थ्री बाई वन हो जाएगा, कितना आ जाएगा, रूट थ्री, है ना। इस तरीके से इजिली तुम निकाल सकते हो, अगर टेन का वैल्यू ना याद हो तो, याद कर लोगे तो और अच्छा है, है ना, याद कर लोगे तो और अच्छा है बालक। तो रूट थ्री का वैल्यू कितना आ गया, तुम अभी देखे, तुम क्या देखे कि हम लोग यहाँ पर टेन थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पर रूट थ्री है, तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं डायरेक्टली इसको रिमूव करके टेन सिक्सटी, क्योंकि टेन सिक्सटी का वैल्यू रूट थ्री होता है। अगर याद ना भी रहे तो साइन कॉस के बेस पर हम लोग इसे निकाल लेंगे। बता दो थेटा का वैल्यू कितना आ गया, थेटा का वैल्यू बालक सिक्सटी आ गया, क्योंकि थेटा अगर सिक्सटी नहीं होगा, सिक्सटी के अलावा कुछ भी होगा, तो ये इक्वल टू नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर सेम फंक्शन है। तो ऐसा कभी सीन आ जाए कि टेन थीटा इज इक्वल टू टेन सिक्सटी, मतलब थीटा को सिक्सटी होना पड़ेगा, इसीलिए थीटा जो है ना वो सिक्सटी इसका आंसर है। तो ये दो क्वेश्चन आई होप बालक तुम अच्छे से समझ पाए होगे, है ना, अप्रोच कैसे लगाना है। थर्ड क्वेश्चन, मस्त क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन साथ साथ ही ये मस्त क्वेश्चन है, ट्राई करो इसको, जल्दी से ट्राई कर लो और कमेंट करके बताते रहोगे यार, मज़ा आएगा हमको भी देख के कि तुम खुद से कितना क्वेश्चन बना लिए थे। हर लोग कमेंट कर लोगे कि कौन कौन तुमको देखना पड़ा और कौन कौन तुम खुद से बना लिए, मज़ा आएगा ऐसे पढ़ोगे तो। देखो अपने पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लेते हैं बालक, है ना, सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लेते हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें बोल रहा है कि राइट एंगल एट सी है, ये सी के पास राइट एंगल है, सी के पास राइट एंगल है, है ना। ए यहाँ पर 30 डिग्री दिया हुआ है, ए जो है ना, मान लो हम इसको ए बोल देते हैं, इसको बी बोल देते हैं, तो ए कितना दिया हुआ है बालक, 30 डिग्री दिया हुआ है। बोल रहा है कि ए बी 40 है, ए बी जो है ना, ए बी जो है ये 40 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 40 सेंटीमीटर दिया हुआ है। बोल रहा है रिमेनिंग टू साइड निकालो, बाकी का दो साइड तुम निकाल दो, बाकी का दो साइड, है ना, बाकी का दो साइड। यार बहुत ईजी है, इसको ध्यान से देखोगे, ध्यान से देखोगे, हम अगर इस एंगल पर साइन फंक्शन का यूज कर ले, साइन फंक्शन का अगर हम इस एंगल पर यूज कर ले, यानी 30 डिग्री तो था ऑलरेडी ए, इसके पहले हम साइन लगा लिए, ठीक है। तो साइन जिस एंगल के पहले लगता है उसका परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो लेता है, ये तुम ऑलरेडी जानते हो। तो इसके लिए परपेंडिकुलर, 30 के लिए परपेंडिकुलर कौन है बालक, बी सी, यानी कि बी सी और भाई क्या हो जाएगा, ए सी बी सी बाई ए बी हो जाएगा। यहाँ हाइपोटेनस देखो, ये तो परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेनस है, ए बी हो जाएगा, और ए बी का लेंथ बालक 40 दिया हुआ है, ए बी का लेंथ 40 है, बात क्लियर है ना। अब एक बात बता दो कि साइन 30 का वैल्यू कितना होता है, तुम पढ़े हो इसका वैल्यू 1/2 होता है ना, साइन 30 का वैल्यू 1/2, और यहाँ से बालक बी सी बाई
40 आ गया। बता दो अब यहाँ से BC निकालना कोई बहुत बड़ा बात है क्या? 40/2 आ गया, ये 40 इधर डिवाइड में इधर गया तो मल्टीप्लाई में आएगा, तो इसको कैंसिल करके कितना आ जाएगा 20, यानी कि BC का जो वैल्यू है वो आ गया 20 आ गया, है ना। अब यहाँ से एक और साइड तुमको निकालना है, कौन सा सारा साइड निकालना था, तो AC तो यार तुम पाइथागोरस भी लगा के निकाल सकते हो या ट्रिग्नोमेट्री लगा लोगे तो और अच्छा है। ट्रिग्नोमेट्री लगाओगे तो क्या करोगे बता दो, P/B कर लो। देखो ये तो 90, बहुत सारा तरीका हो सकता है, ये 90 है, ये 30 है ना, तो इस पर अगर तुम कॉट ले लेते हो, कॉट ले लो, कॉस ले लो, कुछ भी ले लो, या तुम ऐसे भी कर सकते हो ना बालक, ये 60 हो जाएगा, 30, 60, 90, 180 हो जाएगा। तो अब इस पर अगर तुम चाहो, अभी भी देखे थे 10, 60 का वैल्यू √3 आया था, तो हम क्या करते हैं ना कि 10, 60 का वैल्यू ले लेते हैं, 10, 60 इस एंगल पर हम 10 लगा दिए। क्यों लगा दिए? क्योंकि इस पर लगाने पर ये P बन जाएगा, ये B बन जाएगा, तो एक इक्वेशन इसके फॉर्म में बनेगा, तो हम लोग इसको निकाल सकते हैं, है ना। तो 10, 60 P/B, इसके लिए P क्या है? AC है जिसको निकालना है ना, AC का इक्वेशन बनाना था हमें, और BC तो हमको मालूम है 20 है, P/B आ गया। अब इसका वैल्यू तुम कितना जानते हो? √3 बालक, है ना, तो AC/20, बता दो AC कितना आ गया? 20√3 आ गया। कोई दिक्कत? किसी को दिक्कत होगा तो बताओगे, और ये भी बताओगे कि इस आसान क्वेश्चन को तुम खुद से बनाए थे या नहीं बनाए थे, बात क्लियर है ना। तो ये 3 क्वेश्चन आई होप तुम अच्छे से बालक समझ गए होगे, है ना। तो चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बालक, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, नेक्स्ट में क्या था? नेक्स्ट में था यार बड़ा शानदार क्वेश्चन आ गया, मस्त क्वेश्चन आ गया, ट्राई करो एक बार, बढ़िया क्वेश्चन है बालक। चलो हम बताते हैं इसको, क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में यहाँ क्या था बालक कि सबसे पहले तो एक रिक्टेंगल दिया हुआ था, एक बालक यहाँ पर रिक्टेंगल दिया हुआ था, है ना। तो हम लोग एक रिक्टेंगल बना लेते हैं, एक रिक्टेंगल बालक पहले हम लोग बना लें। देखो एक इस टाइप से बालक रिक्टेंगल दिया हुआ था, बात क्लियर है ना। इसमें क्या बोला था कि ये तो ABCD एक रिक्टेंगल है, देखो ABC और D ये एक रिक्टेंगल है। इसमें बोल रहा है ना कि AB 20 सेंटीमीटर है, AB को हम लोग लिख लिए 20 सेंटीमीटर, बात क्लियर है। बोल रहा है कि BAC 60 डिग्री है, BAC, मतलब ये वाला एंगल, ध्यान से देखो ये एंगल के बारे में बात हो रहा है, इस एंगल के बारे में बात हो रहा है, BAC इस एंगल के बारे में बात हो रहा है, और ये एंगल कितना है? 60 डिग्री है। कोई दिक्कत? ये एंगल 60 डिग्री है, यही क्वेश्चन में दे रखा है, और तुमसे BC पूछ रहा है, मतलब इस साइड का लेंथ पूछ रहा है, क्या होगा यार। अब तो इसे कोई भी बता देगा, अब तो तुम इजीली इसको बता सकते हो, कुछ नहीं करो बालक, टेन तुम 60 डिग्री का यूज कर लो। मतलब ये हुआ कि हम इस एंगल पर यानी 60 डिग्री पर टेन फंक्शन का यूज किए, टेन का मतलब होता है P/B, और इस 60 के लिए P क्या है? BC है बालक, है ना, तो यहाँ हम BC लिख लिए, 60 के लिए P और B ये है, यानी कि BC/AB हो गया। अब बता दो BC का वैल्यू कितना? BC तो BC है ना। देखो यहाँ पर देखो 10, 60 कितना आ गया? √3। 10, 60 तो यार 3 क्वेश्चन बैक टू बैक 10, 60 पर आया, तो तुमको लर्न हो गया होगा 10, 60 का वैल्यू कितना है? √3। और BC हमें फाइंड करना था, BC को लिख लिए, AB क्वेश्चन में दे रखा था 20, 20 लिख लिए, तो BC का वैल्यू तो तुम बता ही सकते हो कि 20√3 आ जाएगा। ईजी था कि नहीं था बालक बताओगे? BC का वैल्यू कितना आ गया? 20 इधर गया तो मल्टीप्लाई में 20√3, यानी कि ये हो गया 20√3। एक बार बोर्ड में ये क्वेश्चन बदल करके दिया था, एकदम सिमिलर क्वेश्चन था, और तुमसे इस रिक्टेंगल का एरिया पूछा था, तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा लेंथ इनटू ब्रेथ। कोई दिक्कत बालक? चलो जी, तो BC भी हम लोग निकाल लिए। इस क्वेश्चन को कैसे बनाया जाए, ये भी कुछ उसी टाइप का है, इसको भी ट्राई करोगे। बोल रहा है इसमें कि द एल्टीट्यूड AD ऑफ अ ट्राइंगल ABC इन विच एंगल A ऑब्ट्यूज, एंगल A जो है ना ये ऑब्ट्यूज है, ये वाला एंगल ऑब्ट्यूज है, बात क्लियर है ना। बोल रहा है कि एक ट्राइंगल ABC है जिसमें AD क्या है? एल्टीट्यूड है, AD कुछ इस तरीके से एल्टीट्यूड होगा, यानी यहाँ पर 90 डिग्री बनेगा, है ना, एल्टीट्यूड का मतलब तो यही होता है ना, A से AD जो है ये परपेंडिकुलर है, यानी एल्टीट्यूड है। इन विच एंगल A ऑब्ट्यूज एंड AD 10 दिया हुआ है, इसका लेंथ बालक 10 सेंटीमीटर दिया गया है, इसका लेंथ है ना, और तुमको बोला है कि BD जो है वो 10 सेंटीमीटर है, BD 10 सेंटीमीटर है, और CD जो है ना ये 10√3 है, CD जो है ये 10√3 है। इतना सारा बात तुमको दे दिया, सब तो दे दिया यार। बोला जा रहा है कि A बता दो,
यानी ये पूरा एंगल बता दो तुम, ये पूरा एंगल। बड़ा सिंपल बात है, अगर समझना चाहो ना तो यार बड़ा सिंपल बात है। लेट कर लो, ये अल्फा है और ये बीटा है, ये अल्फा है और ये बीटा है, लेट कर लेते हैं। तो ए निकालना है, ए निकालना है, ए निकालना है मतलब क्या निकालना है, अल्फा प्लस बीटा निकाल लेना है। यानी एक बार हम लोग अल्फा निकाल लेंगे, एक बार बीटा निकाल लेंगे और ये दोनों एंगल को ऐड कर लेंगे तो ए आ जाएगा। अगर अल्फा बीटा से दिक्कत है तो तुम एक्स वाई लेट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, वेरिएबल है बस, एंगल को डिनोट करने वाला वेरिएबल यहाँ पर लेट कर लिया, चलो ठीक है। देखो बालक ध्यान से सुनोगे, दोनों जगह हम लोग टैन का यूज कर लेंगे, ज़्यादा बेहतर होगा। क्यों ज़्यादा बेहतर होगा, ध्यान से सुनो, यहाँ पर अल्फा के पहले हम लोग टैन फंक्शन का यूज कर लेते हैं, टैन अल्फा, टैन का मतलब पी बाई बी है ना, पी बाई बी। तो बताओ अल्फा के लिए पी क्या है, परपेंडिकुलर क्या है, बी डी है, तो यहाँ पर हम लोग बी डी लिख लेंगे, है ना, यहाँ पर बालक हम लोग बी डी लिख लेंगे। अच्छा अल्फा के लिए परपेंडिकुलर जो है ये तो बी डी था, अल्फा के लिए बेस क्या था, ए डी, तो यहाँ पर हम लोग ए डी लिख लेंगे। अब बता दो टेन अल्फा जो है इज इक्वल टू हम लोगों का यहाँ पर 10/10 नहीं आ गया क्या, बी डी का वैल्यू 10 और ए डी का भी वैल्यू 10, बताओ ये दोनों कैंसिल होकर बालक 1 आ गया, तो टेन अल्फा इज इक्वल टू 10/45 लिख ले तो कोई दिक्कत, अभी अभी तो क्वेश्चन ऐसा किए थे, 1 के प्लेस पर हम लोग 1 के प्लेस पर 10/45 लिख सकते हैं, क्योंकि 10/45 का मतलब 1 ही होता है। बता दो अल्फा कितना आ गया, अल्फा आ गया बालक 45 डिग्री, बात समझ गए, अल्फा आ गया 45 डिग्री। इन द सेम वे अब तो तुमको आइडिया लग ही गया होगा कैसे बनाना है, यहाँ पर भी टेन लगा लेते हैं, टेन बीटा यानी पी बाई बी, बीटा के लिए पी क्या है, 10√3 है, डायरेक्ट लिख रहे हैं 10√3, देखो बीटा के लिए पी क्या है 10√3 है ना, और इसके लिए बेस क्या है 10, ये दोनों बालक कैंसिल, तो 10 बीटा इज इक्वल टू √3 आ गया। तो बता दो 10 बीटा इज इक्वल टू √3 के प्लेस पर 10/60 लिख लोगे क्या, लो चौथी बार आ गया, याद कर लो 10/60 इज इक्वल टू √3 है ना। अब बता दो बीटा का वैल्यू कितना आ गया, बीटा का वैल्यू आ गया बालक 60, अल्फा आ गया 45, बीटा आ गया बालक 60, बीटा आ गया 60, तो अल्फा प्लस बीटा ही तो ए है ना, तो यानी कि 45 + 60 तो ए हो जाएगा, मतलब ए का वैल्यू कितना आ गया, दोनों को ऐड कर लिया जाए 105 डिग्री आ गया। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, धुआं उड़ा दोगे क्वेश्चन को, धुआं। अगर अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझो हो तो यार ट्रिगो तो खेल है, ट्रिगो एक खेल है, मदाड़ी का खेल है, मदाड़ी का खेल, ध्यान से सुनोगे बालक, अरे यार आ जाओ तुम नीचे आ जाओ बालक, देखो ध्यान से सुनो यार, ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। इफ टेन ए इज इक्वल टू कॉट बी, प्रूफ करो कि ए प्लस बी जो है ना वो 90 डिग्री है, ए प्लस बी 90 डिग्री है, बड़ा ईजी बात है बालक। देखो टेन ए, इसको एज इट इज़ लिखें, इसको हम लोग टेन 90 माइनस बी लिख सकते हैं क्या, बताओ तो, कॉट थेटा इज इक्वल टू 10 90 माइनस थेटा होता है क्या, 90 माइनस थेटा होता है, यहाँ बी थेटा की तरह अगर है तो कॉट थेटा यानी कॉट बी इज इक्वल टू 10 90 माइनस बी हो जाएगा। अब बताओ कि फंक्शन सेम है, दोनों साइड फंक्शन सेम है और बीच में इक्वल टू है, तो एंगल पार्ट को बालक क्या होना पड़ेगा, इक्वल होना पड़ेगा, तभी ये इक्वेशन पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल नको। तो यहाँ से ए का वैल्यू कितना आ जाएगा, 90 माइनस बी, बी को इधर लाओ तो ए प्लस बी इज इक्वल टू 90 प्रूव्ड, कोई दिक्कत, बताओगे बी इधर माइनस में इस साइड लाए तो प्लस में ए प्लस बी इज इक्वल टू 90 हो गया। इसी तरीके का इजी इजी क्वेश्चन यार सीबीएसई पूछता है, लेकिन ये इजी उन्हीं बच्चों को लगेगा जो इसका थ्योरी पार्ट अच्छे से कवर किए हुए हैं, जो इसका थ्योरी पार्ट बालक अच्छे से जो बच्चे कवर किए हुए हैं ना उन्हीं को ये सब बात ईजी लगेगा, कोई दिक्कत किसी को। सारा थ्योरी बिल्कुल बेसिक करके इस चैनल पर अपलोडेड है, ठीक ना, प्लेलिस्ट में चेक करोगे, क्लास टेंथ ट्रिग्नोमेट्री करके दो बार है, एक पहले वाला वीडियो है जो व्हाइट बोर्ड पर बनाए थे और ये स्मार्ट बोर्ड पर है, ये वाला देखोगे ज़्यादा बढ़िया रहेगा तुम्हारे लिए, है ना। यहाँ पर एक बात है इस क्वेश्चन में, अब तो यार तुमको बनाना चाहिए क्वेश्चन को, इतना प्रैक्टिस कराने के बाद तुमको सारा क्वेश्चन तुमसे बनना चाहिए, तुम ट्राई करो और कमेंट करना कि तुम सही बना रहे थे कि नहीं बना रहे थे और कितना क्वेश्चन तुमसे यार सही बना। देखो क्वेश्चन बालक बोला जा रहा है कि अगर सेक 5a इज इक्वल टू कोसेक ए प्लस 36 डिग्री है ना,
फाइव ए एक्यूट एंगल है, एक्यूट एंगल ही होगा, एक राइट एंगल ट्रेंगल में बाकी का दो एंगल जो भी होता है वो एक्यूट होता है। तो तुमसे पूछा जा रहा है कि ए का तुम वैल्यू बता दो, ए का वैल्यू बता दो। देखो सेक, यहाँ पर देखना ध्यान से, सेक फाइव ए को अगर हम लोग कोसेक 90 माइनस फाइव ए लिख ले तो कोई दिक्कत है क्या, बता देना यार। सेक थेटा इज इक्वल टू होता है कोसेक 90 माइनस थेटा, तो इसको हम लोग ऐसे तो लिख ही सकते हैं, इसके प्लेस पर हम ये लिख लिए, क्योंकि सेक थेटा क्या होता है कोसेक 90 माइनस थेटा, और यहाँ थेटा की तरफ बिहेव कर रहा है फाइव ए, है ना। तो सेक फाइव ए इज इक्वल टू कोसेक 90 माइनस फाइव ए इज इक्वल टू कोसेक कोसेक ए प्लस 36 डिग्री, ए प्लस 36 डिग्री, कोई दिक्कत। फिर से वही बात, यहाँ पर बोलोगे कि फंक्शन सेम है और बीच में इक्वल टू है, तो यार एंगल पार्ट को सेम होना पड़ेगा, यानी तुम लिख सकते हो कि 90 माइनस फाइव ए इज इक्वल टू ए प्लस 36 डिग्री, कोई दिक्कत। इसको इसको 36 को इधर लाते हैं और इसको इधर ले जाते हैं, तो ये बन गया 90 माइनस 36 और ये इधर गया तो 6 से बन गया, बन गया ना। 5a माइनस में इस साइड आया तो प्लस, a प्लस 5a 6 से बन जाएगा। यहाँ पर बता दो क्या होगा, 10 से 6 गया बालक 4, 10 से 6 गया 4 और 8 से 3 गया, देखो 8 से 3 गया बालक 5, 54 आ गया, 54 इज इक्वल टू 6 है, तो बालक a का वैल्यू आ गया 54 बाई 6 यानी कि 9 ना। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत है तो बता दो, ए का वैल्यू कितना आ गया 9 आ गया, तुमसे ए ही का वैल्यू पूछा था, तो ये 9 डिग्री हो जाएगा, है ना, कितना हो जाएगा 9 डिग्री बालक ए का वैल्यू हो जाएगा, है ना। अगर ये 9 होगा तो सेक 5 है, यानी सेक यहाँ पर 95 जब 45 होगा। अच्छा खैर वो सब बात नहीं है, हमसे तो ए पूछा है ए का वैल्यू कितना आ जाएगा 9 डिग्री आ जाएगा, समझ गए ना। इसी टाइप से बनाते हैं, अब इसको तो तुम ट्राई करोगे, कुछ इसी टाइप का हम क्वेश्चन लाए हुए हैं, इसको बालक तुम क्या करोगे ट्राई कर लोगे, और हमको पूरा उम्मीद है कि तुम इसको बना लोगे अब, है ना। तुम इसको क्या कर लोगे यार, आ जा भैया गुसाइल का है बड़ा हो, आ जा। देखो ध्यान से सुनो, सेक 4a इज इक्वल टू कोसेक a माइनस 20, सेम बात, इसको हम लोग लिख लेंगे कोसेक कोसेक 90 माइनस 4a। बस प्रैक्टिस के लिए इसको डाला गया था कि तुम खुद से बना लो, लेकिन यार तुम सारा क्वेश्चन हम ही से बनवाते हो, ट्राई करो। देखो बेस सेम, यानी कि डायरेक्ट लिखोगे 90 माइनस 4a इज इक्वल टू a माइनस 20, बता दो इसको इधर यानी कि 110 इज इक्वल टू 5 है, कोई दिक्कत। ये 20 इस साइड आया प्लस में 110 बन गया, ये माइनस 4a इस साइड गया प्लस में बन गया, तो a प्लस 4a 5a बन गया। a का वैल्यू कितना, a का वैल्यू आ गया 110 बाई 5, यानी कि 5 टू जा 10, 1 और 0 यानी कि 1 और 0 5 से 2 बार मैंने बालक। देखो यहाँ ध्यान से, 5 से हम लोग इसको 2 बार में कैंसिल किए, 2 बार में, और एक और आ गया तो 2 बार में यानी कि 22 आ जाएगा, a का वैल्यू 22 डिग्री, कोई दिक्कत। a का वैल्यू बालक 22 डिग्री, और पूछा क्या था, यही तो पूछा था। इस टाइप का इजी इजी क्वेश्चन तुम जल्दी जल्दी बना सकते हो, एकदम मस्त क्वेश्चन आ गया, मस्त क्वेश्चन। यहाँ थोड़ा सा टाइम लगा करके हम लोग सीखेंगे अच्छे से, टाइम लगा करके इसे अच्छे से हम लोग सीखेंगे। अच्छे से दिख रहा है ना तुमको, मस्त क्वेश्चन आ गया, और हमको ज़्यादा चांस रहता है ना, ज़्यादा चांस रहता है बालक कि ये जो है ना क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन बोर्ड पूछता है, ये जो क्वेश्चन है ना बालक, ये जो है बोर्ड पूछता है, तो इसको अच्छे से सीखोगे। अच्छे से कैसे सीखोगे बता रहे हैं, ध्यान से सुनो, हाँ ध्यान से सुनोगे बालक। टेन वन इंटू टेन टू इंटू टेन थ्री इंटू टेन फोर इंटू टेन फाइव ऐसे करते 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 1089 तक गया है, तो इसका वैल्यू 1 आ जाएगा। ये तुमको शो करना था, प्रूफ करना था, यहाँ लिखा हुआ है प्रूफ, प्रूफ डेट, तुमको प्रूफ करना था। देखो यार बड़ा इजी बात है, हम इस 1 को 10 90 माइनस 89 लिख सकते हैं क्या, बताओगे। 1 को चेंज करके 90 माइनस 89 लिख दिए तो कोई दिक्कत है क्या, 90 माइनस 89 1 ही तो होता है। इसके पहले देखो, इसके पहले 10 2 को हम लोग 10 90 माइनस 88 लिख दे तो कोई समस्या है क्या, तुमको परेशानी है क्या। और ये जो सीक्वेंस दिया है इसमें जानते हो ना क्या दिया है, 10 1, 10 2, 10 3, 10 4 ऐसे करते करते इसके पहले 10 88 होगा, उसके पहले 10 87 होगा, उसके पहले 10, मतलब कि कंटिन्यूसली 10 1 डिग्री से लेकर 10 2 डिग्री से लेकर 10 89 डिग्री तक कंटिन्यूसली जा रहा है।
और सबका मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसका वैल्यू 1 आएगा, ये तुमको प्रूफ करना है। और ये ओपी क्वेश्चन है बालक, ओपी क्वेश्चन, ये बोर्ड बार बार पूछता है। तो क्या करोगे, 10 90 माइनस 89, इसको हम लोग लिख सकते हैं 10 90 माइनस 88। इसी तरीके से इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 10 90 माइनस 87 लिख सकते हैं ना, और सारा मल्टीप्लीकेशन में है। इसके बाद क्या आ रहा होगा, इसके बाद क्या आ रहा होगा बालक, 10 90 माइनस 86, 10 90 माइनस 85, इस तरीके से आ रहा होगा। अच्छा इधर देखा जाए, इधर डॉट डॉट डॉट, इधर क्या होगा, इसके जस्ट पहले देखो तो, जस्ट पहले क्या होगा, 10 87 होगा, फिर इंटू 10 88 होगा, और फिर 10 89 होगा। कोई दिक्कत किसी को, 10 89 होगा, सारा बात दिख रहा है ना। थोड़ा सा इसको और इधर हम शिफ्ट कर लेते हैं, थोड़ा सा इसको हम इधर शिफ्ट कर लेते हैं, कुछ इस टाइप से होगा बालक, है ना, बीच में डॉट डॉट होगा, बाकी कुछ इस टाइप का होगा। हमको एक बात बता दो, इसको तुम क्या लिखोगे, इसको तुम लिख पाओगे क्या 90 माइनस थीटा को कॉट 89 लिख पाओगे क्या, 10 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होता है, 10 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, है ना। उसके बाद देखो 10 90 माइनस थीटा कॉट 88 हो गया, उसी तरीके से इसको क्या लिख लेंगे, इसको क्या लिख लेंगे बालक, कॉट 87। इसी तरीके से ये बनते चल जाएगा पेयर, बीच में कहीं 45 डिग्री आएगा, 45 डिग्री से पहले 44 डिग्री तक सबको कॉट में बदल लेंगे इसी तरीके से, है ना। और वहाँ बदल के सारे को नहीं बदलना है, बस दो चार बदल कर दिखा देना है एग्ज़ाम में कि हाँ हमको मालूम है कि ऐसा ऐसा हो रहा है। इमोशनल नहीं होते हैं पढ़ाई में, यानी कि पूरा का पूरा लिखते जा रहे हो, लिखते जा रहे हो, पूरा टाइम इसी में किल कर रहे हो, ऐसा नहीं है। देखो कॉट 89, कॉट 88, कॉट 87 तीन एनफ है, दिखा दिए। और तुमको क्या कर रहा है ना कि 45 के पहले इसी तरीके से बीच में नहीं चेंज करो, बीच में 10 45 को रहने दो, ठीक है, क्योंकि 10:45 तो वन ही होता है, 10:45 1, इसके पहले सारा चेंज हुआ था, है ना। अब इसके बाद 10:45 के बाद भी चेंज होते 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 लास्ट में क्या आ गया, है ना, लास्ट में यहाँ देखोगे बालक, लास्ट में क्या आ गया, लास्ट में यहाँ इंटू के बाद 10 87 87, 10 88, और इसके बाद इंटू 10 89, ये आ गया, है ना। अब देखो कॉट 89 और 10 89, बालक ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, सारा मल्टीप्लीकेशन में है, ये और ये कैंसिल हो जाएगा। बोलोगे यार कैंसिल कैसे हो जाएगा, दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल है ना, दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। जैसे एक को हम कैंसिल करके दिखा देते हैं, देखो कॉट 89 है और इसके साथ मल्टीप्लीकेशन में सारा है क्या, 10 89 है, ये मल्टीप्लीकेशन में है, सब तो मल्टीप्लीकेशन में है। इसको हम लोग 1/10 89 लिख सकते हैं क्या, 1/10 89 इंटू 10 89 10 89, देखो तो ये दोनों कैंसिल हुआ कि नहीं हुआ। इसको हम लोग ये रेसिप्रोकल होता है 10 का, तो 1/10 89 इंटू 10 89 दोनों कैंसिल हो जाएगा, समझ पा रहे हो क्या। इसी तरीके से देखो, इसी तरीके से ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, सब सबसे कैंसिल हो जाएगा, एक बच जाएगा 10:45 जो किसी से कैंसिल नहीं होगा, सब कैंसिल होकर 1 × 1 × 1 × 1 और 10:45 इटसेल्फ 180, मतलब 1 हो जाएगा, 10:45 वो भी 1 है, और बाकी सब 1 × 1 × 1 × 1 × 1, यानी कि फाइनल वैल्यू 1 × 1 कितना भी बार 1 मल्टीप्लाई कर लो, वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इसका आंसर जो है बालक, मतलब सबको सॉल्व किए तो 1 आया, ये हम लोग प्रूफ्ड कर दिए, है ना, प्रूफ कर दिए। देखो ऐसा ही एक और क्वेश्चन है, ये इसमें तो मज़ा आ जाएगा तुमको, ये लॉजिक है यार, बाकी क्वेश्चन का बताना ना बताना, इसका ज़रूर बताना है कि तुम यार ऐसा सोचे थे कि नहीं सोचे थे। तुम 10 90 तक पढ़े हो, कॉस 90 तक पढ़े हो, और यहाँ पर कॉस 180 तक पूछा है, अब क्या करोगे, अब तो तुम फंस गए। तुम हमको बताना कि जैसे हम सोच रहे हैं, क्या तुम्हारे माइंड में वो बात आया था क्या, वो बात आया था क्या, आ सकता है, आ सकता है तुम्हारे माइंड में भी वो बात, ज़रूर हमको बताना, हम जानना चाहते हैं कितने बालक मेरी तरह सोचते हैं। कॉस 1 डिग्री इंटू कॉस 2 डिग्री इंटू कॉस 3 डिग्री इंटू कॉस 4 डिग्री इंटू कॉस 5 इंटू कॉस 6, ऐसे करते करते कॉस 180 डिग्री तक का वैल्यू 0 आएगा, ऑफकोर्स आएगा बालक, पक्का आएगा, एकदम बिल्कुल आएगा। तुम थोड़ा सा फील करो कि ये जहाँ भी मल्टीप्लाई हो रहा है, इसके बीच में कहीं ना कहीं कॉस 90 आएगा, कॉस 90 आएगा इसके बीच में, सीक्वेंस में जाओगे ना 1 2 3 4 5, कॉस 89, कॉस 90, कॉस 91, सब तो इसमें है, और कॉस 90 का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है बालक, 0। तो इसके पहले तुम कुछ भी मल्टीप्लाई करते इधर से आ रहे हो, बीच में एक 0 मिल गया, और इधर भी चाहे कुछ भी हो, ये पूरा का पूरा टर्म को केवल ये 0 बना देगा, क्योंकि 0 इंटू एनी बिग नंबर यार 0 हो जाएगा।
तो बालक आई होप ये 10 का 10 क्वेश्चन तुम्हें अच्छे से समझ में आया होगा। अच्छे से अगर समझ पा रहे हो, अगर ये सब वीडियो तुम्हारे लिए बेनिफिशियल है तो यार ज़रूर बताना हमको कमेंट करके, है ना। लाइक करना, हम बताए थे लाइक करने से क्या बेनिफिट है, यूट्यूब को लगेगा कि ये वीडियो बच्चों के लिए बेनिफिशियल हो रहा है, बच्चे इसे लाइक कर रहे हैं तो यूट्यूब इसे और भी बच्चों को, नीडी बच्चों के पास ये पहुँचाएगा, है ना। और शेयर करना बालक, कंटेंट बनाने में बहुत टाइम लगता है, मेहनत लगता है, रिसर्च लगता है, देखना पड़ता है कि क्या क्वेश्चन बता दिया जाए, वीडियो सॉल्यूशन उसका दे दिया जाए कि बस उतना जानने के बाद तुम सारा क्वेश्चन बना लो। तुम अपने बुक का क्वेश्चन बनाने बैठो, प्रैक्टिस करने बैठो तो तुम्हें कम से कम डाउट आए, ये सब बहुत कुछ सोचना पड़ता है। तो चैनल को ग्रो करने में सपोर्ट करो बालक, है ना। चैनल को ग्रो करने में बालक तुम थोड़ा सपोर्ट करो, चैनल बढ़ते जाएगा, पढ़ाने में और मज़ा आते चला जाएगा, क्योंकि मोटिवेशन एक टीचर के लिए तो यार यही है ना। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बालक, बाय।